एसटीएफ गोरखपुर इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसटीएफ गोरखपुर इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को भगवानपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आमिर खान पुत्र शफीक निवासी ग्राम सुकरौली थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है, जिसके पास से 2700 प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, एक कार, 3 मोबाइल, 150 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में कहा कि लकी की नौतनवा में कपड़े की दुकान है और लकी ने ही मुझे एक मोबाइल नंबर दिया था, उसी व्यक्ति से पीपीगंज में प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन लिया था, जिसे लेकर वह नेपाल बॉर्डर पर जा रहा था। यहाँ से इसकी सप्लाई हम लोग नेपाल में करते हैं और यह कारोबार पहले से करता आ रहा है। कुछ दिन पहले ही नशीली दवाओं का कारोबारी गैंगस्टर में जनपद महाराजगंज की जेल से छूटा है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, विनय सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, गौरव प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोहित कुमार गौड़, कमांडो जितेंद्र प्रताप शामिल रहे। तो